हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों लंज, अपर लंज, मनेली व डडोली में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस मौके पर पठानिया ने लंज पुलिस चौकी सीएचसी लंज में जाकर मास्क व पुष्प गुच्छ देकर पुलिस व डॉक्टरों को सम्मानित किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मास्क वितरित किए गए ताकि लोगों को मास्क बांटे जा सकें। इस मौके पर पठानिया ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री व शाहपुर की विधायक सरवीण चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री जानबूझकर पूर्व सरकार के कामों को रोक रही है व लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बने 2 साल होने को है पर लंज सीएचसी दशा सुधारने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अस्पताल की नोटिफिकेशन पूर्व सरकार के समय कर दी गई थी लेकिन आज तक ना तो लोगों को 24 घंटे सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही अस्पताल में स्टाफ है, ना ही बिल्डिंग का काम चल रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार चंगर के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि जो कार्य मंत्री को करना चाहिए वे लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का पहले ही इस जगह पर भवन मौजूद है तो विधायिका किस चीज का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द अगर इस अस्पताल की दशा नहीं सुधारी गई तो चंगर के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जैसा ही कोरोना 19 इस देश के अंदर आया और इस प्रदेश के अंदर आया, आज हम उस पंचायत में बैठे थे जहाँ शुरुआती तौर पर भी पहला या दूसरा केस हिमाचल प्रदेश में आया था। तो सबसे पहले तो आज हम शुभकामनाएं देते हैं उस परिवार को, उस पंचायत में आए हैं। तो इसके साथ साथ हमने 245 आदमी भी आपदा प्रबंधन कमेटी ने जो है वो 114 बूथों में बनाई थी और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे आपदा प्रबंधन कमेटियों के सदस्यों का। पिछले लंबे समय से आज लॉकडाउन 4 जो है आज अनलॉक 1 हो गया, लॉकडाउन 4 जो है वो समाप्त हो गया। उन्होंने चाहे वो मास्क का काम था, सैनिटाइजेशन का काम था, चाहे वो राशन देने का काम था, बखूबी निभाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर का, हमारे आंगनबाड़ी का, आशा वर्कर का, पंचायतों के प्रधानों का, चुने हुए जिला परिषद का, ब्लॉक समितियों का, जिन्होंने सारे, और इसके साथ साथ हमारे DC साहब, हमारे SDM साहब, हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है जिन्होंने इसको ग्राउंड लेवल पर, चाहे हमारे वाटर सप्लाई के लोग हों, चाहे IPH के एक्शन हों, PWD के हों, दूसरे सभी विभागों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस महामारी में सभी NGO का मैं धन्यवाद करना, सब ने महामारी में इसमें योगदान दिया। मैं आज लंच कांग्रेस कमेटी के, हमारे जो आपदा प्रबंधन कमेटी थी उसकी बैठक थी, इन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले लंबे समय से इस बात पर हमारा संपर्क था और इन्होंने भी चाहे मास्क हो चाहे दूसरी चीज़ें हों, उनको डट के काम जो है अपने इलाके में किया है। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, धारकंडी से लेकर लंच तक कभी मेरे लास्ट बूथ पड़ते हैं, जहाँ ये कांग्रेस पार्टी ने काम किया। मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सरकार है, सबसे पहले तो हम श्वेत पत्र चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का, जो PM केयर और CM केयर के अंतर्गत जो पैसा इकट्ठा किया गया है उसमें शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में वो हमारे जो 114 बूथ है, 114 बूथों में, कौन से बूथों में, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो अपना मास्क हो, कहाँ प्रदेश सरकार की यहाँ मंत्री है उन्होंने अवेलेबल कराया और कितना पैसा CM केयर फंड में इकट्ठा हुआ, क्या वो कोरोना के एवज में इसी इलाके से जो पैसा इकट्ठा किया उससे कितनी सेवा हमारे विधानसभा क्षेत्र या जिला कांगड़ा या प्रदेश की, तो ये इसके ऊपर हम वाइट पेपर चाहते हैं। जहाँ तक लंच की बात है, मैं आपको बता दूँ राजा वीरभद्र सिंह कामदेव नहीं बोल सकते, एक क्षेत्र में हाई कॉलेज की बात है, CSC की बात है, ये तो पिछले 2.5 सालों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर अवेलेबल नहीं करा पाए हैं, आज बिल्डिंग तो बड़ी दूर की बात है। तो मैं कहता हूँ ये जरूर सोचने की बात है और मैं आपको आज खास कर क्योंकि इसके बाद हमारा जो है ये अंतिम बैठकें हैं आपदा प्रबंधन कमेटियों की, सारा साथ में रिव्यू भी हुआ और साथ में इनको हमने, और मैं आपको बता दूँ जिन आपदा प्रबंधन कमेटियों ने, मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, मैंने कल ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे CLP के नेता अग्निहोत्री जी से मैंने विनम्र प्रार्थना की है कि मेरी, और मैं ऐसा नहीं है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान का भी, मेरी आपदा प्रबंधन कमेटी को, मेरे को दिल्ली से भी शाबाशी आई है, मेरे को प्रदेश की शाबाशी आई है, उस शाबाशी के एवज में मैंने रिक्वेस्ट की है
सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट को कि जो 25-30 कमेटियां थी जिन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया उनको मैं और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी के हाथों बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करूंगा और अभी कंटिन्यू चलेगा, उसको सम्मानित भी कराऊंगा और जो हमारे सर्टिफिकेट पर शक्ति पत्र है वो भी उनको कराऊंगा। आज मैं एक बात और करना चाहता हूँ, जहाँ हम 10,000 रुपये मजदूरों के लिए बात कर रहे हैं, 7500 रुपया जो गरीब आदमी के खाते में पड़े, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी जहाँ मजदूरों के साथ खड़ी है। मैं आपको बताऊँ, अब हिमाचल प्रदेश जो है वो देवी देवताओं का, आज हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय को, सब कुछ खुल गया, जल्दी से जल्दी हम मंदिरों को भी खोल दें और मंदिरों से मेरी विनम्र प्रार्थना ये है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ मजदूर इफेक्ट हुआ है, जहाँ छोटा दुकानदार इफेक्ट हुआ है, छोटे दुकानदार को पैसे देने की बात कही है, मंदिरों के अंदर जो पुजारी हैं, 2 महीने पुजारियों का काम भी इफेक्ट हुआ है,